मुजफ्फरपुर में इन दिनों बारिश 3 दिनों से तेज़ हो रही है और बारिश का ये पूरा माहौल पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। जगह जगह बारिश हो रही है। ये मूसलाधार बारिश मोती झील धर्मशाला का ये आप नज़ारा देख सकते हैं। ये जो नज़ारा है ये पूरा जलमग्न हो चुका है। यही जो स्थिति है पूरी तरह मुजफ्फरपुर को पूरी तरह जलमग्न कर चुकी है। ये मुजफ्फरपुर धर्मशाला का स्थिति ओवर ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं। पूरी तरह जो साइकिल है वो डूबी हुई है और पूरा पानी से लबालब रोड दिखाई दे रहा है। यही जो स्थिति है मुजफ्फरपुर जंक्शन की बात करें तो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी पानी का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यही हाल सदर अस्पताल का भी है। सदर अस्पताल पूरी तरह डूब चुका है। लेकिन बात करें मोती झील मेन जो बाज़ार है वहाँ पर जल जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ का जल निकासी हो जा रहा है। लेकिन बात करें समरणालय और जो सरकारी दफ्तर है वो भी जलमग्न हो चुकी है। बात करें जो साइड इलाका है वो भी पूरी तरह जलमग्न है। और बात करें गली कुची का तो उसका हम बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जब शहर के बीच का ये हाल है तो आप समझ ही सकते हैं कि गली का और जो गली मोहल्ले का जो रोड है वो किस तरह इस पानी के दबाव को झेल रहा होगा और वहाँ के लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। उसी तरह के पानी तो अभी तक लगी हुई है। स्मार्ट सिटी क्या बनेगा? आधा रोड बना दिया, आधा रोड बना, आए दिन यहाँ पर स्क्रेंथ होती रहती है। उसका जिन्हें तिन्हें बना देती है, नाला खोल के छोड़ी हुई है। यहाँ कोई अति नहीं है। तो ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का नज़ारा देखिए, नाव चलेगा, दुकानदार तो 80% बंद ही है। 80% तो दुकान बंद ही है। स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या काम हो रहा है तो सरकार जाने, कुछ पता तो चलता नहीं है। पेपर में आता है कि हाँ साहब काम हो रहा है, ये हो रहा है। लीजिए मुजफ्फरपुर का हाल इन्हें कहना क्या है, तो सारा दिख रहा है, पूरा पानी पानी हो गया हुआ है। होटल पर जाना है और पानी लगा हुआ है पूरा। मेरा गाड़ी कल ख़राब हो गया, 2-3 बार जो है से मेरा गाड़ी ख़राब अभी तक हो चुका है। मेहनत करके कमाते हैं और गाड़ी में लगाते हैं, इस पर जो है से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, ऐसे में जल जमाओ। स्मार्ट सिटी का क्या काम चल रहा है? कुछ काम ही नहीं दिख रहा है हमको अभी तक। ये काम चलता तो पानी ऐसे ही लगता है यहाँ पर। काम चलता तो पानी इतना नहीं ना लगता, जो इतना लोग को परेशानी हो रहा है जाने आने में। इस पर किसी लोग का कोई नजरे नहीं है। टाइम टेबल से ना नाली का साफ सफाई हो रहा है। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहें मुजफ्फरपुर से। दर्श न्यूज के लिए मैं मुकेश ठाकुर।